तो सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम विद मी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए एंड ये बिल्कुल फ्री है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद मी। मेरा नाम है मोनोशीता और आज जो है मैं जा रही हूँ अपनी हेयर कटिंग कराने के लिए, क्योंकि आपको तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं ऑलमोस्ट एक साल दो महीना हो गया है मुझे मैंने हेयर कट जो है वो नहीं कराया है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और एक साल पहले मेरा शादी हुआ था और हम लोगों की कोई एक ऐसी रिचुअल्स है कि हम लोग शादी के एक साल ना होने तक हेयर जो है वो नहीं कटा सकते। सो मैं भी जा रही हूँ हेयर कट कराने के लिए और कैसी लगती हूँ उसके बाद आपको दिखाई देगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक साल बाद जो है मैं अपनी हेयर को कट कराऊंगी, न्यू हेयर स्टाइल। पता नहीं कैसे मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। सो चलिए चलता है।
डन माय हेयर कट एंड आई नो आप लोग पूछना चाहोगे कि ये कौन से वाला हेयर कट है और ये है मल्टी लेयर और कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज कमेंट मी. सो चलिए घर चलते हैं उसके बाद मिलती हूँ. सो कैसी लग रही हूँ मैं. मेरा जो हेयर था वो ऑलमोस्ट मेरा इतना तक था और मैंने बहुत ही शॉर्ट करा लिया है क्योंकि मैं परेशान हो गई थी यार. मेरे जो लॉन्ग हेयर थे ऑलमोस्ट 5 साल से जो है मैं मेरा लॉन्ग हेयर को मेंटेन कर रही थी तो अभी जो है मैंने हेयर को शॉर्ट करा दिया है. और क्या चीज़ है कि एक्चुअली बारिश हो रहा है ना बाहर बहुत. सो थोड़ा सा बाल जो है वो मेरा भीग गया है और थोड़ा सा जो है वो सेटिंग में अभी नहीं है. सो थोड़ा सा मुझे अभी सेट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा भीग गया है. और एक्चुअली जिस पार्लर में मैं जाती हूँ बहुत साल से जा रही हूँ लाइक 5-6 साल से जा रही हूँ शायद और वो है हबीब्स मध्यम ग्राम में जो हबीब्स हैं उधर से ही मैं ज़्यादातर जो है हेयर कट कराती थी. अभी भी उधर से ही कराया है मैंने पर उधर से ना मैं पौलाशदा नाम करके एक मतलब स्टाफ थे उनसे ही हेयर कटिंग कराती थी पर वो आज नहीं थे तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक दीदी भी है वो भी बहुत दिनों से उधर पे हेयर कट कर रही है वो भी काफ़ी जान पहचान में है उनसे भी एक बार दो बार कराया था मैंने तो उनसे ही किया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हेयर कट करने के बाद. ऐसे लग रहा है कि मेरे सर से ना बहुत बड़ा बोझ हट गया. मतलब समझ सकते हो ना आप कितने दिनों से मैं घूम रही थी ऐसे इतने बड़े बाल लेके. सो मैं आपको दिखाऊंगी अगले वाले व्लॉग पे कि मेरा जो बाल है वो कैसा लग रहा है. फिलहाल तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी ये भीग के थोड़ा सा शेप में नहीं है खराब हो गया है. सो कीप ऑन वॉचिंग. आई रियली होप कि आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना. सो बाय बाय.